अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेस मान। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मेरी बहन का दिल कर रहा था रसमलाई खाने को, तो मैंने कहा कि मैं घर में रेडी करती हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हैं कि कैसी बनती है। तो मैं ना नेस्ले बुनियाद लेके आई, एक लेके आई हूँ 130 ग्राम वाला और एक लेके आई हूँ 30 ग्राम वाला। और मेरे पास बर्फ़ी है, 1 एग है, 2 टेबल स्पून जो है मेरे पास मैदा है, और दूध है मेरे पास, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं इसमें मेजर करूँगी, मुझे 1 कप जो है ना वो इट्स इनफ। मैंने ऐसे ही वो पैकेट भी खोला, ये देखिए 1 कप जो है मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर लिया, और ये मैंने मैदा जो है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। बेकिंग पाउडर जो है ना वो इतना सा ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद ना मैं इसको एग जो है ना उसे नीट करूँगी, एग को बीट कर लेती हूँ। दूध मैंने जो है ना बॉईल होने के लिए रखा है, और उसके अंदर जो है मैंने इलायचियों को पीस कर लिया था, पीस लिया है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बर्फ़ी ऐड कर दूँगी। बर्फ़ी ऐड की, ये इसमें मैं ऐड को बीट करूँगी। ऐड मैंने बीट कर लिया, अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको नीट करूँगी। एक टेबल स्पून जो है वो मैं देसी घी ऐड की है, और उसको जो है ना मिक्स कर लेंगे, और अब हम लोग एग डाल के जो है ना नीट करते जाएंगे। अभी हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया, और छोटी छोटी सी हम लोग बॉल्स करेंगे। बॉल्स में ना क्रैक नहीं होने चाहिए, तो फिर मर्जी अगर तो क्रैक होगा तो वो टूट जाएगी। और साथ साथ हम लोग इसको दूध में रख, ये देखिए हमने डाले ऐसे, आपको सारे करके दिखाते हैं। ये हमारी दूसरी है, तीसरी, हाँ तीसरी, इसे भी हमने डाल दिया इसमें। बॉल को ज़्यादा हम लोगों ने ना तेज आग करके बॉयल दिलाना है, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग इसकी आग जो है आग इतनी है अभी जीरो कर देंगे, दम पे रख देंगे 20 पे। अभी मम्मा जी अब जाके, ये देखिए हमारी रसमलाई जो है ना वो फूल रही है और अब बॉयल होना शुरू हो गई है, तो अब हम लोग इसको जो है ना दम पे रख देंगे, और 20 to 25 मिनट्स ना अब हम लोग इसको दम पे पड़ा रहने देंगे। ये देखिए हम लोगों ने कितनी छोटी बॉल्स डाली थी और कितनी बड़ी हो गई हैं। थोड़ी सी जो है ना बर्फ़ी में और डाल दूँगी और इसको मैं पकने दूँगी। ये देखिए हमारी कितनी ज़्यादा ये फूल गई हैं, हम लोगों ने कितनी छोटी छोटी डाली थी और ये देखें कितनी बड़े हो गए हैं। और अब हम लोग जो है ना इसके अंदर बादाम जो है थोड़े से वो करके डालेंगे, क्रश करके डालेंगे। बहुत मज़े का टेस्ट है। हमारी रसमलाई रेडी है, और अब हम लोग चूल्हा बंद कर देंगे, और अब इसको ना निकाल लेंगे हम लोग डिश में, और अब हम लोग इसको निकालेंगे डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन इसे आराम से निकाल लें क्योंकि ये टूटे ना। और इसका जो दूध है वो बहुत ही मज़े का है। वाओ, अमेजिंग। आपको सारे डाल के दिखाते हैं। थोड़ा सा ना हम लोग इसके अंदर भी निकाल लेंगे, क्या नाम है, इसको भी अंदर भी सर्व कर लेंगे। 2 इसके अंदर डाल लेते हैं और बाकी जो है वो उसके अंदर। और ये अब मैंने नोट किया है कि वो थोड़ी सी ना ज़रा सी प्लेट को वो हुई है तो मक वो होता है, लेकिन उस वक्त मैंने नोट नहीं किया इसलिए सॉरी फॉर डैट। और अब हम लोग जो है ना इसका मिल्क जो है वो भी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डिवाइड करेंगे, इसके अंदर भी ऐड करेंगे और उसके अंदर प्याली में भी ऐड करेंगे। और ना ये हमारी मज़ेदार सी देखिए रसमलाई जो है ना रेडी है। यहाँ हम ना कहने लगी थी कि हम लोग लॉक का एंड करते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी पागल अभी रहते हैं और स्टेप्स भी हैं इसके अंदर वो करने हैं अभी हम लोगों ने कंप्लीट। मेरे पास थोड़े से चांदी के वर्क पड़े हुए तो मैंने कहा ज़रा सी ना उसकी वो कर देती हूँ, प्रेजेंट टेबल बन जाए तो थोड़े से चांदी के वर्क हो किए हैं। अखरोट जो था थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डाल दिए थे, मिल्क के अंदर डाल दिए थे। अब बस हम लोग इसको ना फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, कि ठंडी जो है ना रसमलाई वही तो खाने का मज़ा आता है। और अब जो है ना हस्बैंड फरमाइश कर रहे थे कि मैंने अभी खानी है तो उनको जो है ना मैं देने लगी हूँ। तो देखते हैं कि उनको पसंद आती है या नहीं। ये ना ये ट्राई करें और बताएं कैसी बनी है। कैसी बनी है? ज़बरदस्त बनी है। पहली बार ये मैंने ट्राई की है तो यही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और ताकि आपको अगली वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।